हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं इट्स बीन लाइक अ वीक अ कपल ऑफ वीक आई स्टार्टेड अपलोडिंग अ सीरीज ऑफ चैप्टर्स फॉर यू एंड दिस इज द सेकंड चैप्टर जिसकी आज लास्ट वीडियो है और उसके बाद हम सेल डिवीजन करेंगे फिर मैंने सोचा सेल डिवीजन और सेल के क्वेश्चंस ना हम साथ में कर लेंगे क्योंकि सेल डिवीजन इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है आपके सिलेबस में

ठीक है इनमें हम डिफरेंस देखेंगे क्या होता है वेरी स्ट्रेट लाइन तो जी प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स जो हमने पीछे देखा था कि सेल सेल्वोल्स शुरू के चार किंगडम में प्रेजेंट होते हैं मुझे जल्दी से बताओ प्लांट सेल प्लांट सेल की सेल वॉल कौन से सब्सटेंस की बनी होती है कैन यू गेस इट इट इज सेल्यूलोज़ इफ यू रिमेंबर जबकि जो अपना एनिमेलिया किंगडम है उसमें वॉल इज़ यूजुअली एब्सेंट सो वॉल इज यूजुअली एब्सेंट एब्सेंट इन एनिमल सेल एंड प्लास्टिक का मैंने क्या बताया था आपको कि या तो ये प्रोटेस्ट कुछ प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होते हैं या फिर ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं उसके अलावा ये किसी भी किंगडम में नहीं मिलते हैं सो so, आप मोटा मोटा याद रखने के लिए आप ये याद रख लो प्लास्टिक सिर्फ प्लांट सेल्स में ही होते हैं सो प्लांट सेल्स है वाइल एनिमल सेल्स डो नॉट है इसको याद रखना है इसमें से क्वेश्चन आए होंगे आपके और आ भी सकते हैं और इसका वैक्यूल बिग होता है प्लांट सेल का है ना हमने देखा था कल ही देखा था शायद ये तो और इसमें वैक्यूल या तो एबसेंट होता है या फिर छोटे साइज के प्रेजेंट होते हैं ठीक है इधर वेरी स्मॉल इन साइज इफ प्रेजेंट इट इज वेरी स्मॉल इन साइज ठीक है ये तीन डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं अभी के लिए एक डिफरेंस और होता है जो हम आगे आने वाले सेल डिवीजन वाले चैप्टर में देखेंगे गॉट इट लेट अस मूव डाउन नाउ चलिए आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लिक न्यूक्लिक की स्पेलिंग आई थिंक सही होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो सही है भाई एन यू सी एल ई आई सी न्यूक्लिक ठीक है आ, इस टर्म को एक टाइम के लिए भूल जाओ और मैं आपको एक टर्म देती हूँ विच इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है एक सेकेंड जो अब अपने छोटे भाई बहन को कहते हो ना कि देख मेरी नाक तो पापा से मिलती है मेरी आंख मम्मी से मिलती है तेरा कुछ नहीं मिलता इसीलिए तुझे मंदिर की सीढ़ियों से उठाया तो जो आपकी आंख और नाक ये मिल रही है कोई भी बॉडी पार्ट या फिर कोई भी आपका ट्रेट या कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से मिलता है तो वो ट्रांसफ़र होता है बाई मीन्स ऑफ जेनेटिक मटीरियल ठीक है उसको जो पेरेंट्स से आपको अपने मिला है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटीरियल जो आप एक्सप्रेस करते हो एज अ ट्रेट या फिर कैरेक्टर ठीक है उसी को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं तो जेनेटिक मटेरियल जनरली डीएनए होता है पर कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं वायरसेस आर ऑलवेज एक्सेप्शन लाइक वायरसेस आर इम्पॉसिबल वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं वायरसेस आर लाइक अब कोरोना वायरस को ही ले लो वो कुछ अलग ही क्रीचर होते हैं समझ से बाहर वायरसेस यहाँ भी वायरसेस एक्सेप्शन है उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है कुछ वायरसेस का ठीक है और सो जेनेटिक मटेरियल इज ऑफ टू टाइप्स तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड इज राइबो न्यूक्लिका मतलब न्यूक्लिक एसिड्स जनरली जेनेटिक मेटीरियल न्यूक्लिक एसिड के हेल्प uh, से कैरी किया जाता है और न्यूक्लिक एसिड होते हैं दो टाइप के डीएनए और आर एन ए उसके बाद सबसे पहले देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए या फिर डीएनए को पहले देखेंगे दिस इज अवर लविंग डीएनए चलिए जी थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं चलिए डीएनए सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था डिस्कवर्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक ठीक है और डी एन ए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियो टाइप्स देखो पॉलीमर क्या होता है न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये हम एक एक करके समझेंगे पॉलीमर होता है जैसे कि कोई भी एक यूनिट है से दिस यूनिट इज ए ए अगेन ए देन ए ये जो पूरी चेन बन रही है इसको हम कह कहते हैं पॉलीमर ठीक है और ये जो सिंगल ए बॉक्स आपको दिखेगा इसको आप कहोगे मोनोमर व्हाट वुड यू कॉल दैट मोनो मर ठीक है सो डी एन एज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड अब ये जो सिंगल बॉक्स है जिसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर दे देते हैं ये जो ग्रीन कलर वाला आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है दिस सिंगल बॉक्स इज कॉल्ड मोनोमर सिर्फ ये मोनोमर नहीं होता आप सिंगल ही इनमें से किसी भी बॉक्स को उठा लो उसको मतलब एक यूनिट को मोनोमर कहते हैं मोनो यानी वन और मर इज यूनिट तो एक यूनिट को हम मोनोमर कहेंगे और ये बहुत सारी यूनिट्स जब एक साथ जुड़ जाती है उसको हम पोलीमर कहते हैं ठीक है थेके? तो डीएनए का जो मोनोमर होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनकर एक डीएनए कि एक डीएनए बनाते हैं यानी डीएनए इज अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच आर अटैच्ड टू ईच अदर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो तो इसमें तीन चीजें प्रेजेंट होती है पेंटोज शुगर पेंटो थोड़ा सा मोलिकुलर स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ वैसे इतना पूछा नहीं जाता आपके एग्जाम में पर समझने के लिए थोड़ा सा देख लो एक ज्यादा डिटेल नहीं कराऊंगी दिस इज़ ठीक है और यहाँ पे और इधर कुछ ऐसे इधर तो आपका फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है ठीक है इधर आपका नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होता है इसको कहते हैं एक न्यूक्लियोटाइड ये एक यूनिट है दिस इज अ मोनोमर क्या क्या जुड़ा है इसमें पेंटोज शुगर पेंटोज शुगर यानी पांच कार्बन की बनी हुई शुगर वन वन टू थ्री फोर फाइव पांच कार्बन हो गए पेंटोज शुगर प्लस फोस्फेट ग्रुप जो हमने पी से रिप्रेजेंट किया है फोस्फेट ग्रो प्लस नाइट्रोजेनस बेस नाइट्रोजेनस बेस जो हमने एन से रिप्रेजेंट किया है ये तीनों बन के एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और एक न्यूक्लियोटाइड होता है मोनोमर ऑफ डीएनए ठीक है ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की चेन बन जाएगी और डीएनए का फॉर्मेशन करती है डीएनए भी बनाएंगे उससे पहले ये देख लो एक तो ये इसमें जो शुगर प्रेजेंट होती है डी डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए की बात हम कर रहे हैं ये डीएनए की बात ही हो रही है ना डीएनए की बात अगर हो रही है तो डीएनए में शुगर जो प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड डी शुगर डी ऑक्सी जनरली इस शुगर को इस वाली पेंटोस शुगर को जो डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होती है उसको हम राइबोज शुगर कहते हैं ठीक है ठेके? पांच कार्बन की बनी शुगर को हम राइबोज शुगर कहते हैं जो डीएनए और आरएनए दोनों में मिलती है मान लो ये आर वाली है इधर लिख लो तो इसमें क्या होता है इसमें से एक ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का अगर रिमूवल हो जाएगा वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का रिमूवल होने के बाद पेंटोज शुगर जिसको हम राइबोस कह रहे हैं आरएनए के अंदर इसके अंदर ऑक्सीजन हटा दिया ना हमने ऑक्सीजन के हटाने के बाद डी मतलब हटा दिया डी विदाउट या फिर आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन ये बन गई इसमें से एक ऑक्सीजन हमने हटा दिया तो ये बन गई डी ऑक्सीराइबोज शुगर डी राइबोज शुगर इसीलिए डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसी शुगर की प्रेजेंस की वजह से ठीक है अब ये डीएनए की शुगर बन गई इसमें से एक डीएन ऑक्सीजन का मोलिक्यूल हमने हटा दिया और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस आपको दिख रहा है ये भी एक फर्क होता है डीएनए में और आरएनए में कि डीएनए की जो शुगर होती है पेंटोज शुगर दैट इज राइबो राइबोज दैट इज राइबोज और ये जो डीएनए वाली होती है आपकी दैट इज डी राइबोज और ये जो आपको एन दिखाई दे रहा है जिसको हम नाइट्रोजनस बेस कहते हैं तो ये भी डीएनए में दो टाइप के प्रेजेंट होते हैं इन डीएनए की बात हो रही है सो so, डी में दो टाइप के प्रेजेंट होते हैं प्यूरिन और पायरिमिडीन ठीक है और प्यूरन प्यूरन आगे दो टाइप के होते हैं एडिनिन एंड ग्वेनिन एडिनिन एंड ग्वानिन और, और, और पायरिमिडीन भी आगे दो टाइप के होते हैं साइटोसिन एंड थाइमिन साइटोसिन एंड थायमीन ये आपको याद रखने जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं प्यूरिन एंड पायरेमिडीन प्यूरिन दो टाइप के होते हैं आगे प्यूरिन के भी फर्दर दो टाइप होते हैं एक तो एडेनिन एक ग्वानिन और पायरेमिडीन के भी दो टाइप होते हैं साइटोसिन और थायमीन ये था डीएनए के बारे में अब हम देखते हैं आरएनए के बारे में आरएनए काबला है कलर चेंज कर लेते हैं आर एन ए विच इज राइबो न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर जो शुगर प्रेजेंट होगी वो राइबोज शुगर प्रेजेंट होगी ठीक है इट इज ऑल ये भी न्यूक्लियोटाइड की लॉन्ग चेन से बना है न्यूक्लियोटाइड की लॉन्ग लॉन्ग चेन से बना है ये भी यानी पॉलीमर है ये भी न्यूक्लियोटाइड का बस इसकी शुगर में फर्क होता है इसका न्यूक्लियोटाइड भी वही होगा बस शुगर का फर्क होगा इसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट होगी राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फोस्फेट ग्रुप ठीक है और इसके अंदर जो आप इसके अंदर भी वही नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं पर एक में फर्क होता है इसमें थायमिन नहीं होता इसमें भी प्यूरिन और पायरेमिडीन दोनों पाए जाते हैं पायरेमिडीन इधर पायरेमिडीन इधर आपको मिलेगा एडिनिन भी मिलेगा ग्वेनिन भी मिलेगा इधर आपको साइटोसिन और यूरेसिल मिलते हैं यूरेसिल सिर्फ आरएनए में होता है डीएनए में एबसेंट होता है ये क्वेश्चन आ सकते हैं दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर क्योंकि ये मेडिकल में भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस इज प्रेजेंट इन आर एन एंड नॉट इन डी एन ए तो आप क्या कहोगे कि यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आर एन ए बट नॉट इन डी एन ए अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि विच वन इज प्रेजेंट इन डी एन एंड नॉट इन आर एन ए तो आप कहोगे इज प्रेजेंट इन डी एन एंड नॉट इन आर एन ए आई होप इट इज क्लियर आर एन ए आगे दो तीन टाइप के हो सकते हैं जो सभी हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में आर एन ए के टाइप्स देखिए एम आर एन ए जिसको हम मैसेंजर आर एन ए कहते हैं वन इज एम आर एन ए विच इज कॉल्ड मैसेंजर आर एन ए मैसेजर आर एन है आर एन दूसरा होता है आर आर एन ए विच इज कॉल्ड राइबोसोमल आर एन ए राइबोसोमल आरएनए एंड नेक्स्ट वन इज टीआरएनए आपको याद रखना है विच इज कॉल्ड ट्रांसफर आरएनए ठीक है ट्रांसफर आरएनए वी आर कंप्लीटेड विद दिस वन आल्सो हमने आरएनए भी कर लिया एक बार न्यूक्लियोटाइड से हम पॉलीमर बना के देखते हैं फिर अपना न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट हो जाएगा क्रोमोसोम रह जाएगा बस एंड वी आर डन विद चैप्टर ओके पहले बनाएंगे हम पेंटोज शुगर ये मुझसे ना ऐसे ही बनता है पेंटोज शुगर इधर क्या होगा नाइट्रोजेनस बेस इधर क्या होगा फोसफेट ग्रुप ऊपर भी न्यूक्लियोटाइड बना लो ये फोस्फेट ग्रुप ऐसे प्रेजेंट होता है ठीक है ऐसे ऐसे इनकी लंबी चेन बनती है और ये चेन बिन कर DNA और आरएनए बना देती है ठीक है जी और क्या बता रही थी मैं हाँ ये जो दो रिंग जुड़ रही है ना ये फोस्फेट ग्रुप से ये ये जो ऊपर वाला शुगर जुड़ रहा है यहाँ पर एक बोन्ड बनता है जिसको हम फोर्सफो बोन्ड कहते हैं फोर्सफो डाईस्टर ठीक है ये आपस में ज्वाइन होते हैं फोक्सो डाइस्टर बोन से अगर मैं इस बोन के आपको ज्यादा डिटेल बना बताऊंगी तो एक ज्यादा ही डिटेल लेक्चर हो जाएगा इसीलिए आप इसको सिंपली याद ही रख सकते हो इधर आपको ग्लाइकोसिडिक दिखता है ग्लाइकोसिडिक बोन्ड मिलता है ये एडिशनल है आपको याद रखना है तो रख सकते हो क्वेश्चन आ भी सकता है ये जो पेंटो शुगर से नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है ना इस वाले बोन को हम ग्लाइकोसिडिक बोन कहते हैं ठीक है ऐसे ही डीएनए बनता है आपका ऐसे ही आर बनता है फर्क इधर होता है इधर नाइट्रोजनस बेसिस में फर्क होता है जो यूरेसिल होगा वो सिर्फ आर एन में प्रेजेंट होता है और जो थाइमिन होता है वो सिर्फ और डीएनए में प्रेजेंट होता है आप देखते हैं थोड़ा सा क्रोमोजोम्स क्या होते हैं उसके बाद अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया कॉन्ग्रेचुलेशन क्रोमोजोम्स देखते हैं क्रोमोजोम्स क्या होते हैं क्रोमोजोम चलो मैं बताऊं आपको क्रोमोजोम कैसे बनते हैं ठीक है फिर एक्चुअल uh, में देखो चलो शुरू से ही करते हैं जैसे ये डीएनए होता है ना हमारा डीएनए बहुत लंबा होता है यू कांट इवन इमेजिन जैसे ये डीएनए ना ऐसी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है एक हमने एक साइड वाले न्यूक्लियोटाइड जो बनाए थे ना दूसरी वाली साइड भी ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं ठीक है डीएनए ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है तो डीएनए बहुत लंबा होता है इसीलिए उसको एक स्ट्रक्चर में बांधना पड़ता है एक तो वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा डीएनए और न्यूक्लियस छोटा सा होता है डीएनए बहुत लंबा होता है तो उसको छोटे से न्यूक्लियस में फिट करने के लिए हमें इसकी पैकेजिंग करनी पड़ती है ठीक है इसको पैक करना पड़ता है तो पैक करने के लिए एक प्रोटीन आता है जैसे मैं ये बोल्स बना रही हूँ ये प्रोटीन है वैसे तो इसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं ठीक है अब हिस्टोन प्रोटीन क्या करेगा इस डीएनए के ऊपर रैप हो जाएगा रैप हो हो जाएगा और इधर एक धागे जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं वैसे डीएनए क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में ही पड़ा रहता है सेल में जो हमने पीछे न्यूक्लियस में छोड़ा था ना हमने न्यूक्लियोलस कर लिया था न्यूक्लियो कर लिया था मैंने कहा था क्रोमेटिन फाइबर में आगे कराऊंगी तो क्रोमेटिन फाइबर यही होता है जब डीएनए इन बोल्स के ऊपर रैप होकर थोड़ा सा और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है उसको हम क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर आगे और कंडेंस्ड हो जाते हैं और ऐसे कंडेंस्ड हो जाते हैं और इस स्ट्रक्चर को इस एक स्ट्रक्चर को जो दिखने में कुछ ऐसी दिखाई देती है उसको हम कहते हैं क्रोमोजोम क्रोमोसोम ठीक है और ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ गेमिट्स एक्चुअली आर द वन हुआ विच फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर मतलब क्रोमोजोम ही वो है जो है, जो ट्रांसफर होते हैं कैरी करते हैं अपने जेनेटिक मटीरियल को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर क्योंकि क्रोमोजोम के अंदर अल्टीमेटली डी एन ए प्रेजेंट होता है ठीक है क्रोमोजोम के अंदर ही डी एन ए प्रेजेंट होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर ये हम आगे सेल डिवीजन में थोड़ा सा देख लेंगे माइटो माइटोसिस मिओसिस में कैसे क्रोमोजोम एक्चुअली में ट्रांसफर होते हैं अभी आप क्रोमोजोम तक देख लो क्रोमोजोम में क्रोमोजोम का फॉर्मेशन कैसे होता है जीन के एक सॉरी डीएनए के एक छोटे से सीक्वेंस को हम जीन कहते हैं जीन वही होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे कैरेक्टर्स के लिए जैसे आपकी आंखें आपकी पेरेंट्स पेरेंट्स जैसी दिखती है वो आपकी जीन्स की वजह से और जीन्स कुछ नहीं है डीएनए का ही एक छोटा सा पार्ट है एक सेगमेंट है जिसको हम जीन कहते हैं और ये जो जीन है ये जब आप क्रोमोजोम में देखते हो तो ये कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर देती है ऐसे बनी तो ये डीएनए की ही होती है पर ये थोड़ा सा ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दे देती है इसलिए इनको कहते हैं हम ये क्या है जीन दिखाई दे रही है आपको ठीक है क्रोमोजोम के अंदर प्रेजेंट होती है होती तो ये डीएनए का सेगमेंट ही है उसके अलावा मैंने आपको सब बता दिया है आई थिंक कि क्रोमोजोम भी अपना पूरा हो गया है और न्यूक्लिक एसिड भी आपका पूरा हो गया है अगर इसमें कुछ डाउट है आप या आपको कुछ और डिटेल में करना है तो आप मुझे बता सकते हो ठीक है आई थिंक वी आर डन विद दिस चैप्टर होपफुली हमने एक हफ्ते में दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए विच इज लाइक माइंड ब्लोइंग